Hello students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel, Nanmati Modern School. We have completed our previous video in this lesson number 10. So today I start new lesson, lesson number 10. And our lesson title name is A, N and D. So, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन होता है कि ये जो ए एन और डी जो है वो एक्चुअली में क्या है. सो ये जो ए एन एंड डी जो है वो आर्टिकल्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं. हमारे आर्टिकल्स टोटल कितने हैं? थ्री है. कितने हैं? थ्री है. कौन कौन से है? ए एन एंड डी. इतने आर्टिकल्स है थ्री है. और कौन कौन से है? सो ए एन एंड डी. सो ए जो आर्टिकल्स है वो हम कब और कैसे कहाँ यूज करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए. सो सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं कि ये आर्टिकल्स जो है वो एक्चुअली में कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल हम लोगों को यूज करना है, कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर डी आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे. सो चलिए हम लोग देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये सारे जो है वो क्या है? आर्टिकल्स है. तो सबसे पहला वाला हमारा आर्टिकल से ए. सो ए जो आर्टिकल से वो हम कब यूज करते हैं? सो जो ए वाला आर्टिकल है वो हम वी यूज बिफोर words, before words that begin without vowels. यानी कि वर्ड्स बिफोर यानी कि वर्ड्स से पहले जब हमारा जो वोवल्स से पहले वाला जो वर्ड है वो वोवल्स से नहीं शुरू होता है. यानी कि हमारा जो वर्ड है उसके पहले शुरुआत में जब वोवल्स नहीं आता है तब हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ए वाला. यानी कि जब हमारा वर्ड्स जो है उसका जो पहला वाला वर्ड्स जो है उसका प्रोनंसिएशन जो है वो यदि वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम कौन सा वाला आर्टिकल यूज करेंगे? ए वाला. यानी सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अ कार. देन नेक्स्ट है अ रिवर. और देन नेक्स्ट है अ माउंटेन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टोटल कितने एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं? थ्री है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए लगाया. पर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड्स है उसके बिफोर यानी कि पहले का जो वर्ड्स है पहला वर्ड्स है वो क्या है? सी है. तो ये जो सी है वो स्टार्टिंग में हमारा वोवल्स वाला वर्ड्स है या फिर कॉन्सोनेंट वाला व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है या वोवल से स्टार्ट हो रहा है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर का. सो क जो है वो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो एक्चुअली में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कार. सो सी जो है वो एक्चुअली में क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग क्या करेंगे?
करेंगे, क्या करेंगे, ए का, यानी ए जो है वो हमें कौन सो नट जो हमारा सबसे वाला जो वर्ड है वो यदि कौन सो नट से स्टार्ट होता है, व्यंजन से स्टार्ट होता है, तब हम कौन सा वाला आर्टिकल यूज करेंगे, ए वाला। लेकिन यदि हमारा जो जो पहले वाला वर्ड जो है वो हमारा वोवल से स्टार्ट होता है तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विदाउट वोवल्स, यानी कि वोवल्स के बिना जो वर्ड की स्टार्टिंग होती है वहां पर हम लोग ए वाला आर्टिकल यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ए हमारा स्टार्टिंग में कौन सा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर है, सो र जो है वो कॉन्सोनेंट है या वोवल से, तो वो भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, इसीलिए हम उसके आगे क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। देन यहाँ नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहले वाला जो वर्ड है उसका साउंड क्या है, माउंटेन, एम, सो एम जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवल से, तो वो भी हमारा कॉन्सोनेंट ही है, यानी कि वोवल्स नहीं है, यानी कि विदाउट वोवल से, यानी कि ए जो वर्ड है उसका जो पहले वाला साउंड है वो एक्चुअली में क्या है, सो वो जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए कॉन्सोनेंट वाले जो वर्ड है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। सो आई होप कि आपको ए वाला आर्टिकल हम कहाँ यूज करेंगे, सो ए वाला जो आर्टिकल है जब हम वोवल्स के विदाउट वर्ड हमें दिखाई दे, जब हमें वोवल्स के विदाउट यानी कि वहां पर वोवल्स से हमारा साउंड स्टार्ट नहीं होगा, हमारा वर्ड्स का साउंड वोवल्स से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से, किससे, कॉन्सोनेंट से। तो जब हमारा जो वर्ड्स का साउंड है वो यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हमें ए का इस्तेमाल करना है। देन नेक्स्ट जो है वो भी हम लोग देखते हैं,
फर्स्ट हमें दिया है ओवर एंड होलीडे, ओवर एंड होलीडे। सो यहां पर दो एग्जांपल हमें दिए गए हैं ओवर एंड होलीडे। सो जो फर्स्ट वाला जो एच ओ यू आर है वो कहां से बिगिन होता है, कहां से बिगिन होता है, एच ओ यू आर। सो ए तो हमारा फर्स्ट वाला एच वर्ड है, उसका जो फर्स्ट वाला जो लेटर है वो कौन सा है, एच है। सो एच जो है वो एक्चुअली में क्या हमारा है, वोवल से या फिर वोवल से या फिर कॉन्सोनेंट है। सो एच तो जो है वो एक्चुअली में कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारा एच जो है वो हमारा साइलेंट है, यानी कि एच हम नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर, ओवर यानी कि एच हमारा साइलेंट हो गया। और ओवर से इसकी हम प्रोनाउंसिएशन हमारी जो इस वर्ड की है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे होल नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर, क्या बोलते हैं, ओवर। सो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर ओवर के साथ क्या आएगा, एंड लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला जो साउंड है वो एक्चुअली में वोवल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड एंड ओवर, क्या लिखेंगे, एंड ओवर। उसी तरह यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होलीडे दिया है, तो होलीडे का फर्स्ट जो लेटर है वो कौन सा है, एच है। तो एच जो है वो एक्चुअली में कॉन्सोनेंट है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, होलीडे। तो ह, तो ह जो है वो हमारा एक्चुअली में कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है, वो वर्ड नहीं है, लेकिन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ए वाला जो हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम उसके आगे लिखेंगे अ होलीडे, क्या लिखेंगे, अ होलीडे। और यहाँ पर ये हमारा एज जो है वो साइलेंट है, लेकिन ए जो है वो हमारा वोवल्स वाला वर्ड है, ओवर्स, यानी कि अ जो है वो हमारा वोवल्स में आता है, इसीलिए यहाँ पर हम एंड ओवर्स ऐसा बोलेंगे और यहाँ पर अ होलीडे ऐसा बोलेंगे। सो आई होप कि आपको ए और एन कब और किस तरह से यूज करना है वो आपको पता चल गया है। फिर यहाँ पर हमें मोर एग्जाम्पल के तौर पे एन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बिगिन विद दी लेटर ए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिगिन विद दी लेटर ए यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से। तो एच जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। फिर भी एच बी से एंड ओवर, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, एंड ओवर ऐसा बोलते हैं, और होर ऐसा नहीं बोलते, होर ऐसा नहीं बोलते, एंड ओवर ऐसा बोलते हैं, बिकॉज द एच इज साइलेंट, क्योंकि ये जो एच है वो क्या है, साइलेंट है। सो इन होर बट बी से अ होलीडे, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं होलीडे बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारा एच जो है वो साइलेंट नहीं है, हम लोग उसका क्लियरली प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि अ होलीडे बोलते हैं।
यहां पर समझ में आ गया है। फिर यहां पर हमें दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं अ यूनिफॉर्म बिकॉज़ यूनिफॉर्म बिगिन विद द कंसोनेंट साउंड। जो यूनिफॉर्म की जो साउंड है वो कहां से स्टार्ट होती है, कंसोनेंट से, कहां से, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, यानी कि य से। तो इसीलिए हम उसके आगे क्या लिखेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे, अ वाला आर्टिकल यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट भी हमें फॉर एग्जांपल एक और दिया है अ यूरोपियन, अ यूरोपियन,
तो यूरोपियन जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कहां से उसकी जो साउंड है वो स्टार्ट हो रही है। देखने में तो हमारा यहां पर ई है, जो लेटर है वो ई है यानी कि वोवल से, लेकिन हम इसको यूरोपियन नहीं बोलते, यूरोपियन ऐसे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं यूरोपियन, क्या बोलते हैं यू। तो इसकी जो साउंड है वो एक्चुअली में यू से स्टार्ट होती है, इसका लेटर लेटर जो है वो ई से स्टार्ट होता है, वो एक्चुअली में वोवल से, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना है, हमें क्या देखना है इसकी जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखकर हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं कि ई जो है फिर भी हमने यहाँ पर ए वाला आर्टिकल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर elephant क्या आर्टिकल लगाया? ओ लगाया, क्योंकि यहाँ पर
ए लगाया, ए आर्टिकल यूज किया, क्यों किया? क्योंकि यहां पर हमारा साउंड जो है वो ब है, ब बु, सो ब है, जो बी है वो हमारा क्या है, कंसोनेंट है, सो कंसोनेंट के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है जे, सो च, जो सी से स्टार्ट हो रहा है जो च है वो एक्चुअली में हमारा कौन सा लेटर है, व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के हम कंसोनेंट के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, यानी कि ए आर्टिकल यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ए आर्टिकल हमें कब यूज करना है वो तो आपको पता चल गया है, लेकिन अब हम एन का देखते हैं। सो एन जो है वो हम कब यूज करेंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एन ओवर हमने लिखा, क्या लिखा, एन ओवर, क्योंकि यहाँ पर एच जो है जो फर्स्ट लेटर है वो तो एक्चुअली में कंसोनेंट ही है, लेकिन हमें लेटर पर नहीं जाना है, लेकिन क्या देखना है कि वो कंसोनेंट जो है वो एक्चुअली में उसका जो प्रोनंसिएशन है, जो उसका साउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारा साउंड जो है वो एक्चुअली में अवर्स, हम लोग अवर्स ऐसे बोलते हैं, जो यहाँ पर एच है वो साइलेंट है, यानी कि होर हम नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, अवर, यानी कि एन अवर। सो यहाँ पर हमारी जो प्रोनंसिएशन है उसी क्यों ध्यान, उसी को ध्यान में रखते हुए हम वहां पर उसके आगे क्या लिखेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, एन का, यानी कि एन आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है एलिफेंट, सो अ, जो अ है वो हमारा एक्चुअली में वोवल से, सो इसका जो साउंड है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसके आगे भी क्या लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो यदि वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हमें एन आर्टिकल लगाना है। देन लास्ट में मैंने लिखा है ओनेस्ट, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो एच है वो साइलेंट है, तो हम लोग ओ से स्टार्ट करेंगे, हमारे साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओनेस्ट, यानी कि अ, जो अ है वो हमारा एक्चुअली में वोवल से, सो वोवल के आगे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ए और एन आर्टिकल है वो हम कब और किस तरह से और कब हम कैसे यूज करेंगे, उसका लेटर देखकर यूज करेंगे या फिर उसकी साउंड देखकर हम लोग यूज करेंगे, वो सब मैंने आज आपको सिखाया है, सो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज हमारा ए और एन वाला जो आर्टिकल है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारा जो दी आर्टिकल है वो हम क कैसे और किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।